सर में दर्द है तो सर दबा दो, तो फिर ना चुप चुप क्यों है? जनत, मैं भूख हिम्मी की वजह से थोड़ा परेशान हो गया हूँ। देखा था कितना घबरा गई थी वो। जनत, तुम ही आगे बढ़ के उन्हें सॉरी कह देती, गले लगा लेती। गलती मेरी भी है, मुझे उन्हें कॉल कर लेनी चाहिए थी। मैं तुम्हें बार बार देख तो रहा था, इसीलिए तो देख रहा था मैं। सॉरी, मेरे जहन में ही नहीं आया बिल्कुल भी। नहीं, अब सॉरी की बात नहीं है। मुझे आपको कहना ही नहीं चाहिए था कि दादी के घर चले। तो ऐसे ही कह रहा हूँ। खैर, एनीवे, I'm gonna go change. मम्मी बहुत खुश है तुम्हारे साथ। मैम जी को इसी तरह खुश रखूंगी, हमेशा ख्याल रखूंगी। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा मम्मी को। डॉक्टर को दवा तो नहीं है ना? डॉक्टर से इतनी बड़ी बात कैसे कहते हो? पता नहीं अम्मी किस हाल में होंगी। इस घर की एक एक बात तुम अपनी दादी से करती। मेरा आपकी छुट्टियाँ खत्म। हम फिलहाल कहीं नहीं जा सकते, and I hope you understand that, please. और वो तुम्हें पटियाँ पढ़ाती। दादी ने मुझे आज तक कोई गलत बात नहीं सिखाई। आंटी, ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे तुम? नहीं, अच्छा नहीं। यहाँ बैठो मेरे पास, शानी को कह देना वो ले आएगा। भाइयों, तो मेरे पास वक्त नहीं है और सब कुछ कह सकूँ। समझ लो कि मैं ड्रामा सीरियल इश्क पर बेपरवाह में आप देखेंगे कि अब जन्नत और उमर की शादी तो हो गई है। अब शादी के बाद ही फौरन ही इनकी जो है मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन जाएगी, क्योंकि अब इतनी खुशी खुशी जन्नत जो है वो अपने घर अपने ससुराल आती है और पहले दिन तो सब बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं। सब उन्हें कहते हैं कि बस जाओ, भाभी भाभी कह के जो है बुलाते हैं। जन्नत को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और फिर अगले ही दिन जो है वो अब उसके जो उमर है उसकी खाला की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसको डॉक्टर्स जो है वो मुहलिक बीमारी का जो है बता देते हैं कि इनको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और इनके पास जो है वो इतने ज़्यादा जो है वक्त नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे और उसके बाद उमर जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर जो है अपनी परेशानी जो है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता, जबकि जन्नत जो है वो अब उसके तो इतने ज़्यादा अरमान होते हैं उसके दिल में। तो वो अब उमर से आके कहती है कि देखें, छुट्टियाँ तो अभी आपकी बहुत सारी हैं, तो फिर हम लोग ने तो जाना था मतलब घूमने फिरने। तो फिर आगे से जो है उमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जन्नत से और उसे कहता है कि तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो है अब उसकी खाला बीमार हो गई है तो फिर उसकी बीमारी पे सारा पैसा लग जाएगा और उसके जो है इतने ज़्यादा जो है टॉर्चर करेगी उसकी उम्र की माँ के, तुम इस तरह से अभी तुम्हारी खाला बीमार है, ये है वो करना है, तो बस इस तरह से वो मेंटली टॉर्चर हो रहा होगा और फिर जो जन्नत के सारे ख्वाब हैं जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी रह जाती हैं। अब वो घर का काम अगले दिन से ही स्टार्ट कर देगी और किचन में जो है वो उसकी माँ उम्र की माँ कहेगी कि तुम किचन में काम करो, ये वो। तो इस तरह से वो उसकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी, जो शादी के बाद जो है उसने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं होंगे। अब यहाँ पर उमर की माँ को इस बात से भी जो है वो इतराज़ होगा कि जन्नत हर वक्त अपनी दादी से क्यों बातें करती रहती है। तो फिर यहाँ पर उमर की माँ जो है वो जन्नत से कहेगी कि तुम हर वक्त फ़ोन पे अपनी दादी के साथ लगी रहती हो और तुम्हारी दादी जो है वो तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाती हैं उल्टे सीधी और फिर जो है तुम उमर का दिमाग ख़राब करती हो। तो फिर जन्नत जो है वो आगे से कहती है कि नहीं, मेरी दादी ने मुझे कुछ गलत बात नहीं सिखाई है। तो फिर इतनी सी बात पर ही अब उमर की माँ आगे से कहेगी कि क्या मतलब है तुम, ये जो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? तो इतनी इसी बात का बतंगड़ बना देगी उम्र की माँ और कहेगी कि तुम्हारी बीवी जो है पता नहीं किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, इसको तुमने सिखाया नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें जो है इस मेरी इज्जत करनी है, तो इसको तो अच्छी तरह से बता दो, क्योंकि इस घर में जो है इस तरह की लैंग्वेज नहीं चलती। तो फिर यहाँ पर उमर जो है फिर से गुस्सा होगा जन्नत पर और उसे कहेगा कि तुमने किस लहजे में बात की है अम्मी से, वो मेरी माँ है और तुम्हें उसकी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो फिर जन्नत कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आने वाले एपिसोड में अब ये भी देखने वाले हैं कि अब उमर और जन्नत की वो दिन जो उन्होंने एक साथ गुजारने होते हैं, उनके गोल्डन डेज होते हैं, वो जो है बहुत ही मनहूस डेज बन जाते हैं और इन लोगों का जो घूमना फिरना भी जो है कैंसिल हो जाता है, इनका हनीमून पर जाना भी कैंसिल हो जाता है। और फिर जो ख्वाब देखे होते हैं जन्नत ने कि वो
शादी के बाद जो है वो सजी सवरी रहेगी और इतना ज़्यादा मेकअप करेगी जो कि उसकी दादी शादी से पहले नहीं करने देती थी और उसे कहती थी कि शादी के बाद ही सारा मेकअप करना। तो फिर वो अपने अरमान जो है अपने साथ लेकर आई कि शादी के बाद वो जो है इतना सारा मेकअप करके रहेगी और ज्वेलरी पहनेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, घूमेगी फिरेगी और इस तरह की जो है चीज़ें कुछ भी नहीं मिलता उसको शादी के बाद। उम्र तो वैसे ही सड़ा हुआ रहने लग जाता है उस बीमारी की वजह से और फिर उसके बाद ना तो वो तारीफ़ करता है जन्नत की और ना ही जो है वो कहीं घुमाने लेकर जाता है। तो फिर इसने जो जन्नत जो है वो सारा दिन किचन में काम करने की वजह से वो ना मेकअप कर पाती है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने को उसको उसका टाइम मिलता है। तो फिर उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। तो फिर इस तरह से ये देखना है कि जन्नत जो है वो कैसे सर्वाइव करती है। आगे ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मजीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर ले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल इश्क भर बेपरवाह में आप देखेंगे कि अब जन्नत और उमर की शादी तो हो गई है। अब शादी के बाद फौरन ही इनकी जो है मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन जाएगी क्योंकि अब इतनी खुशी खुशी जन्नत जो है वो अपने घर अपने ससुराल आती है और पहले दिन तो सब बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं। सब उन्हें कहते हैं कि बस जाओ, भाभी भाभी कह के जो है बुलाते हैं। जन्नत को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और फिर अगले ही दिन जो है वो अब उसके जो उमर है उसकी खाला की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसको डॉक्टर्स जो है वो मोहलिक बीमारी का जो है बता देते हैं कि इनको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और इनके पास जो है वो इतने ज़्यादा जो है वक्त नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे और उसके बाद उमर जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर जो है अपनी परेशानी जो है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता। जबकि जन्नत जो है वो अब उसके तो इतने ज़्यादा अरमान होते हैं उसके दिल में तो वो अब उमर से आके कहती है कि देखें छुट्टियाँ तो अभी आपकी बहुत सारी हैं तो फिर हम लोग ने तो जाना था मतलब घूमने फिरने। तो फिर आगे से जो है उमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जन्नत से और उसे कहता है कि तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अब जो है अब उसकी खाला बीमार हो गई है तो फिर उसकी बीमारी पे सारा पैसा लग जाएगा और उसके जो है इतने ज़्यादा जो है टॉर्चर करेगी उसकी उम्र की माँ के, तुम इस तरह से अभी तुम्हारी खाला बीमार है, ये है, वो करना है। तो बस इस तरह से वो मैंटली टॉर्चर हो रहा होगा और फिर जो जन्नत के सारे ख्वाब हैं जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी रह जाती हैं। अब वो घर का काम अगले दिन से ही स्टार्ट कर देगी और किचन में जो है वो उसकी माँ उम्र की माँ कहेगी कि तुम किचन में काम करो, ये वो। तो इस तरह से वो उसकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी जो शादी के बाद जो है उसने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं होंगे। अब यहाँ पर उमर की माँ को इस बात से भी जो है वो इतराज़ होगा कि जन्नत हर वक्त अपनी दादी से क्यों बातें करती रहती है। तो फिर यहाँ पर उमर की माँ जो है वो जन्नत से कहेगी कि तुम हर वक्त फ़ोन पे अपनी दादी के साथ लगी रहती हो और तुम्हारी दादी जो है वो तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाती हैं उल्टे सीधी और फिर जो है तुम उमर का दिमाग ख़राब करती हो। तो फिर जन्नत जो है वो आगे से कहती है कि नहीं, मेरी दादी ने मुझे कुछ गलत बात नहीं सिखाई है। तो फिर इतनी सी बात पर ही अब उमर की माँ आगे से कहेगी कि क्या मतलब है तुम ये जो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। तो इतनी इसी बात का बतंगड़ बना देगी उम्र की माँ और कहेगी कि तुम्हारी बीवी जो है पता नहीं किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, इसको तुमने सिखाया नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें जो है इस मेरी इज्जत करनी है, तो इसको तो अच्छी तरह से बता दो क्योंकि इस घर में जो है इस तरह की लैंग्वेज नहीं चलती। तो फिर यहाँ पर उमर जो है फिर से गुस्सा होगा जन्नत पर और उसे कहेगा कि तुमने किस लहजे में बात की है अम्मी से, वो मेरी माँ है और तुम्हें उसकी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो फिर जन्नत कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आने वाले एपिसोड में अब ये भी देखने वाले हैं कि अब उमर और जन्नत की वो दिन जो उन्होंने एक साथ गुजारने होते हैं उनके गोल्डन डेज होते हैं वो जो है बहुत ही मनहूस डेज बन जाते हैं और इन लोगों का जो घूमना फिरना भी जो है कैंसिल हो जाता है, इनका हनीमून पर जाना भी कैंसिल हो जाता है। और फिर जो ख्वाब देखे होते हैं जन्नत ने कि वो शादी के बाद जो है वो सजी सवरी रहेगी और इतना ज़्यादा मेकअप करेगी जो कि उसकी दादी शादी से पहले नहीं करने देती थी और उसे कहती थी कि शादी के बाद ही सारा मेकअप करना। तो फिर वो अपने अरमान जो है अपने साथ लेकर आई कि शादी के बाद वो जो है इतना सारा मेकअप करके रहेगी और ज्वेलरी पहनेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, घूमेगी फिरेगी और इस तरह की जो है चीज़ें कुछ भी नहीं मिलता उसको शादी के बाद। उम्र तो वैसे ही सड़ा हुआ रहने लग जाता है उस बीमारी की वजह से और फिर उसके बाद ना तो वो तारीफ़ करता है जन्नत की और ना ही जो है वो कहीं घुमाने लेकर जाता है। तो फिर इसने जो जन्नत जो है वो सारा दिन किचन में काम करने की वजह से वो ना मेकअप कर पाती है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने को उसको उसका टाइम मिलता है। तो फिर उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। तो फिर इस तरह से ये देखना है कि जन्नत जो है वो कैसे सर्वाइव करती है। आगे ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मजीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर ले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ड्रामा सीरियल इश्क भर बेपरवाह में आप देखेंगे कि अब जन्नत और उमर की शादी तो हो गई है। अब शादी के बाद फौरन ही इनकी जो है मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन जाएगी, क्योंकि अब इतनी खुशी खुशी जन्नत जो है वो अपने घर अपने ससुराल आती है और पहले दिन तो सब बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, सब उन्हें कहते हैं कि बस जाओ, भाभी भाभी कह के जो है बुलाते हैं, जन्नत को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर अगले ही दिन जो है वो अब उसके जो उमर है उसकी खाला की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसको डॉक्टर्स जो है वो मुहलिक बीमारी का जो है बता देते हैं कि इनको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और इनके पास जो है वो इतने ज़्यादा जो है वक्त नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे और उसके बाद उमर जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर जो है अपनी परेशानी जो है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता, जबकि जन्नत जो है वो अब उसके तो इतने ज़्यादा अरमान होते हैं उसके दिल में। तो वो अब उमर से आके कहती है कि देखें छुट्टियाँ तो अभी आपकी बहुत सारी हैं, तो फिर हम लोग ने तो जाना था मतलब घूमने फिरने। तो फिर आगे से जो है उमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जन्नत से और उसे कहता है कि तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो है अब उसकी खाला बीमार हो गई है तो फिर उसकी बीमारी पे सारा पैसा लग जाएगा और उसके जो है इतने ज़्यादा जो है टॉर्चर करेगी उसकी उम्र की माँ के, तुम इस तरह से अभी तुम्हारी खाला बीमार है, ये है वो करना है, तो बस इस तरह से वो मेंटली टॉर्चर हो रहा होगा। और फिर जो जन्नत के सारे ख्वाब हैं जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी रह जाती हैं। अब वो घर का काम अगले दिन से ही स्टार्ट कर देगी और किचन में जो है वो उसकी माँ उम्र की माँ कहेगी कि तुम किचन में काम करो, ये वो, तो इस तरह से वो उसकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी जो शादी के बाद जो है उसने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं होंगे। अब यहाँ पर उमर की माँ को इस बात से भी जो है वो इतराज़ होगा कि जन्नत हर वक्त अपनी दादी से क्यों बातें करती रहती है। तो फिर यहाँ पर उमर की माँ जो है वो जन्नत से कहेगी कि तुम हर वक्त फ़ोन पे अपनी दादी के साथ लगी रहती हो और तुम्हारी दादी जो है वो तुम्हें पटियाँ पढ़ाती हैं उल्टे सीधी और फिर जो है तुम उमर का दिमाग ख़राब करती हो। तो फिर जन्नत जो है वो आगे से कहती है कि नहीं, मेरी दादी ने मुझे कुछ गलत बात नहीं सिखाई है। तो फिर इतनी सी बात पर ही अब उमर की माँ आगे से कहेगी कि क्या मतलब है तुम ये जो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। तो इतनी इसी बात का बतंगड़ बना देगी उम्र की माँ और कहेगी कि तुम्हारी बीवी जो है पता नहीं किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, इसको तुमने सिखाया नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें जो है इस मेरी इज्जत करनी है, तो इसको तो अच्छी तरह से बता दो क्योंकि इस घर में जो है इस तरह की लैंग्वेज नहीं चलती। तो फिर यहाँ पर उमर जो है फिर से गुस्सा होगा जन्नत पर और उसे कहेगा कि तुमने किस लहजे में बात की है अम्मी से, वो मेरी माँ है और तुम्हें उसकी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो फिर जन्नत कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आने वाले एपिसोड में अब ये भी देखने वाले हैं कि अब उमर और जन्नत की वो दिन जो उन्होंने एक साथ गुजारने होते हैं उनके गोल्डन डेज होते हैं वो जो है बहुत ही मनहूस डेज बन जाते हैं और इन लोगों का जो घूमना फिरना भी जो है कैंसिल हो जाता है, इनका हनीमून पर जाना भी कैंसिल हो जाता है। और फिर जो ख्वाब देखे होते हैं जन्नत ने कि वो शादी के बाद जो है वो सजी सवरी रहेगी और इतना ज़्यादा मेकअप करेगी जो कि उसकी दादी शादी से पहले नहीं करने देती थी और उसे कहती थी कि शादी के बाद ही सारा मेकअप करना। तो फिर वो अपने अरमान जो है अपने साथ लेकर आई कि शादी के बाद वो जो है इतना सारा मेकअप करके रहेगी और ज्वेलरी पहनेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, घूमेगी फिरेगी और इस तरह की जो है चीज़ें कुछ भी नहीं मिलता उसको शादी के बाद। उम्र तो वैसे ही सड़ा हुआ रहने लग जाता है उस बीमारी की वजह से और फिर उसके बाद ना तो वो तारीफ़ करता है जन्नत की और ना ही जो है वो कहीं घुमाने लेकर जाता है। तो फिर इसने जो जन्नत जो है वो सारा दिन किचन में काम करने की वजह से वो ना मेकअप कर पाती है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने को उसको उसका टाइम मिलता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। तो फिर इस तरह से ये देखना है कि जन्नत जो है वो कैसे सर्वाइव करती है। आगे ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मजीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल इश्क भर बेपरवाह में आप देखेंगे कि अब जन्नत और उमर की शादी तो हो गई है। अब शादी के बाद फौरन ही इनकी जो है मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन जाएगी, क्योंकि अब इतनी खुशी खुशी जन्नत जो है वो अपने घर अपने ससुराल आती है और पहले दिन तो सब बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, सब उन्हें कहते हैं कि बस जाओ, भाभी भाभी कह के जो है बुलाते हैं, जन्नत को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर अगले ही दिन जो है वो अब उसके जो उमर है उसकी खाला की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसको डॉक्टर्स जो है वो मुहलिक बीमारी का जो है बता देते हैं कि इनको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और इनके पास जो है वो
इतने ज़्यादा जो है वक्त नहीं है, तो इस तरह से आप देखेंगे। और उसके बाद उमर जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, और फिर जो है अपनी परेशानी जो है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता। जबकि जन्नत जो है वो अब उसके तो इतने ज़्यादा अरमान होते हैं उसके दिल में, तो वो अब उमर से आके कहती है कि देखें छुट्टियाँ तो अभी आपकी बहुत सारी हैं, तो फिर हम लोग ने तो जाना था मतलब घूमने फिरने। तो फिर आगे से जो है उमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जन्नत से, और उसे कहता है कि तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो है अब उसकी खाला बीमार हो गई है, तो फिर उसकी बीमारी पे सारा पैसा लग जाएगा, और उसके जो है इतने ज़्यादा जो है टॉर्चर करेगी उसकी उम्र की माँ के, तुम इस तरह से अभी तुम्हारी खाला बीमार है, ये है वो करना है, तो बस इस तरह से वो मेंटली टॉर्चर हो रहा होगा। और फिर जो जन्नत के सारे ख्वाब हैं जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी रह जाती हैं। अब वो घर का काम अगले दिन से ही स्टार्ट कर देगी, और किचन में जो है वो उसकी माँ उम्र की माँ कहेगी कि तुम किचन में काम करो, ये वो, तो इस तरह से वो उसकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी, जो शादी के बाद जो है उसने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं होंगे। अब यहाँ पर उमर की माँ को इस बात से भी जो है वो इतराज़ होगा कि जन्नत हर वक्त अपनी दादी से क्यों बातें करती रहती है, तो फिर यहाँ पर उमर की माँ जो है वो जन्नत से कहेगी कि तुम हर वक्त फ़ोन पे अपनी दादी के साथ लगी रहती हो, और तुम्हारी दादी जो है वो तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाती हैं उल्टे सीधी, और फिर जो है तुम उमर का दिमाग ख़राब करती हो। तो फिर जन्नत जो है वो आगे से कहती है कि नहीं, मेरी दादी ने मुझे कुछ गलत बात नहीं सिखाई है। तो फिर इतनी सी बात पर ही अब उमर की माँ आगे से कहेगी कि क्या मतलब है तुम, ये जो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो, तो इतनी इसी बात का बतंगड़ बना देगी उम्र की माँ, और कहेगी कि तुम्हारी बीवी जो है पता नहीं किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, इसको तुमने सिखाया नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें जो है इस मेरी इज्जत करनी है, तो इसको तो अच्छी तरह से बता दो, क्योंकि इस घर में जो है इस तरह की लैंग्वेज नहीं चलती। तो फिर यहाँ पर उमर जो है फिर से गुस्सा होगा जन्नत पर, और उसे कहेगा कि तुमने किस लहजे में बात की है अम्मी से, वो मेरी माँ है और तुम्हें उसकी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो फिर जन्नत कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आने वाले एपिसोड में अब ये भी देखने वाले हैं कि अब उमर और जन्नत की वो दिन जो उन्होंने एक साथ गुजारने होते हैं, उनके गोल्डन डेज होते हैं, वो जो है बहुत ही मनहूस डेज बन जाते हैं, और इन लोगों का जो घूमना फिरना भी जो है कैंसिल हो जाता है, इनका हनीमून पर जाना भी कैंसिल हो जाता है, और फिर जो ख्वाब देखे होते हैं जन्नत ने कि वो शादी के बाद जो है वो सजी सवरी रहेगी और इतना ज़्यादा मेकअप करेगी जो कि उसकी दादी शादी से पहले नहीं करने देती थी, और उसे कहती थी कि शादी के बाद ही सारा मेकअप करना। तो फिर वो अपने अरमान जो है अपने साथ लेकर आई कि शादी के बाद वो जो है इतना सारा मेकअप करके रहेगी और ज्वेलरी पहनेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, घूमेगी फिरेगी, और इस तरह की जो है चीज़ें कुछ भी नहीं मिलता उसको शादी के बाद। उम्र तो वैसे ही सड़ा हुआ रहने लग जाता है उस बीमारी की वजह से, और फिर उसके बाद ना तो वो तारीफ़ करता है जन्नत की, और ना ही जो है वो कहीं घुमाने लेकर जाता है। तो फिर इसने जो जन्नत जो है वो सारा दिन किचन में काम करने की वजह से वो ना मेकअप कर पाती है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने को उसको उसका टाइम मिलता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। तो फिर इस तरह से ये देखना है कि जन्नत जो है वो कैसे सर्वाइव करती है। आगे ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मजीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल इश्क पर बेपरवाह में आप देखेंगे कि अब जन्नत और उमर की शादी तो हो गई है। अब शादी के बाद फौरन ही इनकी जो है मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन जाएगी, क्योंकि अब इतनी खुशी खुशी जन्नत जो है वो अपने घर अपने ससुराल आती है, और पहले दिन तो सब बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, सब उन्हें कहते हैं कि बस जाओ, भाभी भाभी कह के जो है बुलाते हैं जन्नत को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर अगले ही दिन जो है वो अब उसके जो उमर है उसकी खाला की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसको डॉक्टर्स जो है वो मोहलिक बीमारी का जो है बता देते हैं कि इनको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और इनके पास जो है वो इतने ज़्यादा जो है वक्त नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे। और उसके बाद उमर जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, और फिर जो है अपनी परेशानी जो है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता। जबकि जन्नत जो है वो अब उसके तो इतने ज़्यादा अरमान होते हैं उसके दिल में, तो वो अब उमर से आके कहती है कि देखें छुट्टियाँ तो अभी आपकी बहुत सारी हैं, तो फिर हम लोग ने तो जाना था मतलब घूमने फिरने। तो फिर आगे से जो है उमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जन्नत से, और उसे कहता है कि
तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अब जो है अब उसकी खाला बीमार हो गई है तो फिर उसकी बीमारी पे सारा पैसा लग जाएगा और उसके जो है इतने ज़्यादा जो है टॉर्चर करेगी उसकी उम्र की माँ के, तुम इस तरह से अभी तुम्हारी खाला बीमार है, ये है वो करना है, तो बस इस तरह से वो मेंटली टॉर्चर हो रहा होगा और फिर जो जन्नत के सारे ख्वाब हैं जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी रह जाती हैं। अब वो घर का काम अगले दिन से ही स्टार्ट कर देगी और किचन में जो है वो उसकी माँ उम्र की माँ कहेगी कि तुम किचन में काम करो ये वो, तो इस तरह से वो उसकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी जो शादी के बाद जो है उसने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं होंगे। अब यहाँ पर उमर की माँ को इस बात से भी जो है वो इतराज़ होगा कि जन्नत हर वक्त अपनी दादी से क्यों बातें करती रहती है, तो फिर यहाँ पर उमर की माँ जो है वो जन्नत से कहेगी कि तुम हर वक्त फ़ोन पे अपनी दादी के साथ लगी रहती हो और तुम्हारी दादी जो है वो तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाती हैं उल्टे सीधी और फिर जो है तुम उमर का दिमाग ख़राब करती हो, तो फिर जन्नत जो है वो आगे से कहती है कि नहीं मेरी दादी ने मुझे कुछ गलत बात नहीं सिखाई है, तो फिर इतनी सी बात पर ही अब उमर की माँ आगे से कहेगी कि क्या मतलब है तुम ये जो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो, तो इतनी इसी बात का बतंगड़ बना देगी उमर की माँ और कहेगी कि तुम्हारी बीवी जो है पता नहीं किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, इसको तुमने सिखाया नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें जो है इस मेरी इज्जत करनी है, तो इसको तो अच्छी तरह से बता दो क्योंकि इस घर में जो है इस तरह की लैंग्वेज नहीं चलती। तो फिर यहाँ पर उमर जो है फिर से गुस्सा होगा जन्नत पर और उसे कहेगा कि तुमने किस लहजे में बात की है अम्मी से, वो मेरी माँ है और तुम्हें उसकी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो फिर जन्नत कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आने वाले एपिसोड में अब ये भी देखने वाले हैं कि अब उमर और जन्नत की वो दिन जो उन्होंने एक साथ गुजारने होते हैं उनके गोल्डन डेज होते हैं वो जो है बहुत ही मनहूस डेज बन जाते हैं और इन लोगों का जो घूमना फिरना भी जो है कैंसिल हो जाता है, इनका हनीमून पर जाना भी कैंसिल हो जाता है और फिर जो ख्वाब देखे होते हैं जन्नत ने कि वो शादी के बाद जो है वो सजी सवरी रहेगी और इतना ज़्यादा मेकअप करेगी जो कि उसकी दादी शादी से पहले नहीं करने देती थी और उसे कहती थी कि शादी के बाद ही सारा मेकअप करना, तो फिर वो अपने अरमान जो है अपने साथ लेकर आई कि शादी के बाद वो जो है इतना सारा मेकअप करके रहेगी और ज्वेलरी पहनेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, घूमेगी फिरेगी और इस तरह की जो है चीज़ें कुछ भी नहीं मिलता उसको शादी के बाद। उम्र तो वैसे ही सड़ा हुआ रहने लग जाता है उस बीमारी की वजह से और फिर उसके बाद ना तो वो तारीफ़ करता है जन्नत की और ना ही जो है वो कहीं घुमाने लेकर जाता है, तो फिर इसने जो जन्नत जो है वो सारा दिन किचन में काम करने की वजह से वो ना मेकअप कर पाती है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने को उसको उसका टाइम मिलता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। तो फिर इस तरह से ये देखना है कि जन्नत जो है वो कैसे सर्वाइव करती है, आगे ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मजीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल इश्क बेपरवाह में आप देखेंगे कि अब जन्नत और उमर की शादी तो हो गई है, अब शादी के बाद फौरन ही इनकी जो है मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन जाएगी क्योंकि अब इतनी खुशी खुशी जन्नत जो है वो अपने घर अपने ससुराल आती है और पहले दिन तो सब बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, सब उन्हें कहते हैं कि बस जाओ, भाभी भाभी कह के जो है बुलाते हैं जन्नत को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर अगले ही दिन जो है वो अब उसके जो उमर है उसकी खाला की तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसको डॉक्टर्स जो है वो मोहलिक बीमारी का जो है बता देते हैं कि इनको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और इनके पास जो है वो इतने ज़्यादा जो है वक्त नहीं है, तो इस तरह से आप देखेंगे। और उसके बाद उमर जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर जो है अपनी परेशानी जो है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता, जबकि जन्नत जो है वो अब उसके तो इतने ज़्यादा अरमान होते हैं उसके दिल में, तो वो अब उमर से आके कहती है कि देखिए छुट्टियाँ तो अभी आपकी बहुत सारी हैं, तो फिर हम लोग ने तो जाना था मतलब घूमने फिरने, तो फिर आगे से जो है उमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जन्नत से और उसे कहता है कि तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अब जो है अब उसकी खाला बीमार हो गई है तो फिर उसकी बीमारी पे सारा पैसा लग जाएगा और उसके जो है इतने ज़्यादा जो है टॉर्चर करेगी उसकी उम्र की माँ के, तुम इस तरह से अभी तुम्हारी खाला बीमार है, ये है वो करना है, तो बस इस तरह से वो मेंटली टॉर्चर हो रहा होगा और फिर जो जन्नत के सारे ख्वाब हैं जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी रह जाती हैं। अब वो घर का काम अगले दिन से ही स्टार्ट कर देगी और किचन में जो है वो उसकी माँ उम्र की माँ कहेगी कि तुम किचन में काम करो ये वो, तो इस तरह से वो उसकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी जो शादी के बाद जो है उसने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं होंगे।
अब यहाँ पर उमर की माँ को इस बात से भी जो है वो इतराज़ होगा कि जन्नत हर वक्त अपनी दादी से क्यों बातें करती रहती है। तो फिर यहाँ पर उमर की माँ जो है वो जन्नत से कहेगी कि तुम हर वक्त फ़ोन पे अपनी दादी के साथ लगी रहती हो और तुम्हारी दादी जो है वो तुम्हें पटियाँ पढ़ाती हैं उल्टे सीधी और फिर जो है तुम उमर का दिमाग ख़राब करती हो। तो फिर जन्नत जो है वो आगे से कहती है कि नहीं, मेरी दादी ने मुझे कुछ गलत बात नहीं सिखाई है। तो फिर इतनी सी बात पर ही अब उमर की माँ आगे से कहेगी कि क्या मतलब है तुम ये जो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना देगी उमर की माँ और कहेगी कि तुम्हारी बीवी जो है पता नहीं किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, इसको तुमने सिखाया नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें जो है इस मेरी इज्जत करनी है, तो इसको तो अच्छी तरह से बता दो क्योंकि इस घर में जो है इस तरह की लैंग्वेज नहीं चलती। तो फिर यहाँ पर उमर जो है फिर से गुस्सा होगा जन्नत पर और उसे कहेगा कि तुमने किस लहजे में बात की है अम्मी से, वो मेरी माँ है और तुम्हें उसकी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो फिर जन्नत कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आने वाले एपिसोड में अब ये भी देखने वाले हैं कि अब उमर और जन्नत की वो दिन जो उन्होंने एक साथ गुजारने होते हैं, उनके गोल्डन डेज होते हैं, वो जो है बहुत ही मनहूस डेज बन जाते हैं और इन लोगों का जो घूमना फिरना भी जो है कैंसिल हो जाता है, इनका हनीमून पर जाना भी कैंसिल हो जाता है। और फिर जो ख्वाब देखे होते हैं जन्नत ने कि वो शादी के बाद जो है वो सजी सवरी रहेगी और इतना ज़्यादा मेकअप करेगी जो कि उसकी दादी शादी से पहले नहीं करने देती थी और उसे कहती थी कि शादी के बाद ही सारा मेकअप करना। तो फिर वो अपने अरमान जो है अपने साथ लेकर आई कि शादी के बाद वो जो है इतना सारा मेकअप करके रहेगी और ज्वेलरी पहनेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, घूमेगी फिरेगी और इस तरह की जो है चीज़ें कुछ भी नहीं मिलता उसको शादी के बाद। उम्र तो वैसे ही सड़ा हुआ रहने लग जाता है उस बीमारी की वजह से और फिर उसके बाद ना तो वो तारीफ़ करता है जन्नत की और ना ही जो है वो कहीं घुमाने लेकर जाता है। तो फिर इसने जो जन्नत जो है वो सारा दिन किचन में काम करने की वजह से वो ना मेकअप कर पाती है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने को उसको उसका टाइम मिलता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। तो फिर इस तरह से ये देखना है कि जन्नत जो है वो कैसे सर्वाइव करती है। आगे ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मजीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल इश्क भर बेपरवाह में आप देखेंगे कि अब जन्नत और उमर की शादी तो हो गई है। अब शादी के बाद फौरन ही इनकी जो है मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन जाएगी क्योंकि अब इतनी खुशी खुशी जन्नत जो है वो अपने घर अपने ससुराल आती है और पहले दिन तो सब बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, सब उन्हें कहते हैं कि बस जाओ, भाभी भाभी कह के जो है बुलाते हैं जन्नत को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर अगले ही दिन जो है वो अब उसके जो उमर है उसकी खाला की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसको डॉक्टर्स जो है वो मोहलिक बीमारी का जो है बता देते हैं कि इनको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और इनके पास जो है वो इतने ज़्यादा जो है वक्त नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे और उसके बाद उमर जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर जो है अपनी परेशानी जो है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता, जबकि जन्नत जो है वो अब उसके तो इतने ज़्यादा अरमान होते हैं उसके दिल में। तो वो अब उमर से आके कहती है कि देखिए छुट्टियाँ तो अभी आपकी बहुत सारी हैं, तो फिर हम लोग ने तो जाना था मतलब घूमने फिरने। तो फिर आगे से जो है उमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जन्नत से और उसे कहता है कि तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अब जो है अब उसकी खाला बीमार हो गई है तो फिर उसकी बीमारी पे सारा पैसा लग जाएगा और उसके जो है इतने ज़्यादा जो है टॉर्चर करेगी उसकी उम्र की माँ के, तुम इस तरह से अभी तुम्हारी खाला बीमार है, ये है वो करना है, तो बस इस तरह से वो मैंटली टॉर्चर हो रहा होगा। और फिर जो जन्नत के सारे ख्वाब हैं जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी रह जाती हैं। अब वो घर का काम अगले दिन से ही स्टार्ट कर देगी और किचन में जो है वो उसकी माँ उम्र की माँ कहेगी कि तुम किचन में काम करो ये वो, तो इस तरह से वो उसकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी जो शादी के बाद जो है उसने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं होंगे। अब यहाँ पर उमर की माँ को इस बात से भी जो है वो इतराज़ होगा कि जन्नत हर वक्त अपनी दादी से क्यों बातें करती रहती है। तो फिर यहाँ पर उमर की माँ जो है वो जन्नत से कहेगी कि तुम हर वक्त फ़ोन पे अपनी दादी के साथ लगी रहती हो और तुम्हारी दादी जो है वो तुम्हें पटियाँ पढ़ाती हैं उल्टे सीधी और फिर जो है तुम उमर का दिमाग ख़राब करती हो। तो फिर जन्नत जो है वो आगे से कहती है कि नहीं, मेरी दादी ने मुझे कुछ गलत बात नहीं सिखाई है। तो फिर इतनी सी बात पर ही अब उमर की माँ आगे से कहेगी कि क्या मतलब है तुम ये जो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। तो इतनी इसी बात का बतंगड़ बना देगी उमर की माँ और कहेगी कि तुम्हारी बीवी जो है पता नहीं किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, इसको तुमने सिखाया नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें जो है
इस मेरी इज्जत करनी है तो इसको तो अच्छी तरह से बता दो, क्योंकि इस घर में जो है इस तरह की लैंग्वेज नहीं चलती। तो फिर यहाँ पर उमर जो है फिर से गुस्सा होगा जन्नत पर और उसे कहेगा कि तुमने किस लहजे में बात की है अम्मी से, वो मेरी माँ है और तुम्हें उसकी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो फिर जन्नत कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आने वाले एपिसोड में अब ये भी देखने वाले हैं कि अब उमर और जन्नत की वो दिन जो उन्होंने एक साथ गुजारने होते हैं, उनके गोल्डन डेज होते हैं, वो जो है बहुत ही मनहूस डेज बन जाते हैं और इन लोगों का जो घूमना फिरना भी जो है कैंसिल हो जाता है, इनका हनीमून पर जाना भी कैंसिल हो जाता है। और फिर जो ख्वाब देखे होते हैं जन्नत ने कि वो शादी के बाद जो है वो सजी सवरी रहेगी और इतना ज़्यादा मेकअप करेगी जो कि उसकी दादी शादी से पहले नहीं करने देती थी और उसे कहती थी कि शादी के बाद ही सारा मेकअप करना। तो फिर वो अपने अरमान जो है अपने साथ लेकर आई कि शादी के बाद वो जो है इतना सारा मेकअप करके रहेगी और ज्वेलरी पहनेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, घूमेगी फिरेगी और इस तरह की जो है चीज़ें कुछ भी नहीं मिलता उसको शादी के बाद। उम्र तो वैसे ही सड़ा हुआ रहने लग जाता है उस बीमारी की वजह से और फिर उसके बाद ना तो वो तारीफ़ करता है जन्नत की और ना ही जो है वो कहीं घुमाने लेकर जाता है। तो फिर इसने जो जन्नत जो है वो सारा दिन किचन में काम करने की वजह से वो ना मेकअप कर पाती है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने को उसको उसका टाइम मिलता है। तो फिर उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। तो फिर इस तरह से ये देखना है कि जन्नत जो है वो कैसे सर्वाइव करती है। आगे ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मजीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर ले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल इश्क भर बेपरवाह में आप देखेंगे कि अब जन्नत और उमर की शादी तो हो गई है। अब शादी के बाद फौरन ही इनकी जो है मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन जाएगी, क्योंकि अब इतनी खुशी खुशी जन्नत जो है वो अपने घर अपने ससुराल आती है और पहले दिन तो सब बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, सब उन्हें कहते हैं कि बस जाओ, भाभी भाभी कह के जो है बुलाते हैं जन्नत को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर अगले ही दिन जो है वो अब उसके जो उमर है उसकी खाला की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसको डॉक्टर्स जो है वो मोहलिक बीमारी का जो है बता देते हैं कि इनको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और इनके पास जो है वो इतने ज़्यादा जो है वक्त नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे और उसके बाद उमर जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर जो है अपनी परेशानी जो है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता, जबकि जन्नत जो है वो अब उसके तो इतने ज़्यादा अरमान होते हैं उसके दिल में। तो वो अब उमर से आके कहती है कि देखें छुट्टियाँ तो अभी आपकी बहुत सारी हैं, तो फिर हम लोग ने तो जाना था मतलब घूमने फिरने। तो फिर आगे से जो है उमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जन्नत से और उसे कहता है कि तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो है अब उसकी खाला बीमार हो गई है तो फिर उसकी बीमारी पे सारा पैसा लग जाएगा और उसके जो है इतने ज़्यादा जो है टॉर्चर करेगी उसकी उम्र की माँ के, तुम इस तरह से अभी तुम्हारी खाला बीमार है, ये है वो करना है, तो बस इस तरह से वो मैंटली टॉर्चर हो रहा होगा। और फिर जो जन्नत के सारे ख्वाब हैं जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी रह जाती हैं। अब वो घर का काम अगले दिन से ही स्टार्ट कर देगी और किचन में जो है वो उसकी माँ उम्र की माँ कहेगी कि तुम किचन में काम करो, ये वो। तो इस तरह से वो उसकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी, जो शादी के बाद जो है उसने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं होंगे। अब यहाँ पर उमर की माँ को इस बात से भी जो है वो इतराज़ होगा कि जन्नत हर वक्त अपनी दादी से क्यों बातें करती रहती है। तो फिर यहाँ पर उमर की माँ जो है वो जन्नत से कहेगी कि तुम हर वक्त फ़ोन पे अपनी दादी के साथ लगी रहती हो और तुम्हारी दादी जो है वो तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाती हैं उल्टे सीधी और फिर जो है तुम उमर का दिमाग ख़राब करती हो। तो फिर जन्नत जो है वो आगे से कहती है कि नहीं, मेरी दादी ने मुझे कुछ गलत बात नहीं सिखाई है। तो फिर इतनी सी बात पर ही अब उमर की माँ आगे से कहेगी कि क्या मतलब है तुम, ये जो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। तो इतनी इसी बात का बतंगड़ बना देगी उम्र की माँ और कहेगी कि तुम्हारी बीवी जो है पता नहीं किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, इसको तुमने सिखाया नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें जो है इस मेरी इज्जत करनी है, तो इसको तो अच्छी तरह से बता दो, क्योंकि इस घर में जो है इस तरह की लैंग्वेज नहीं चलती। तो फिर यहाँ पर उमर जो है फिर से गुस्सा होगा जन्नत पर और उसे कहेगा कि तुमने किस लहजे में बात की है अम्मी से, वो मेरी माँ है और तुम्हें उसकी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो फिर जन्नत कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर आने वाले एपिसोड में अब ये भी देखने वाले हैं कि अब उमर और जन्नत की वो दिन जो उन्होंने एक साथ गुजारने होते हैं, उनके गोल्डन डेज होते हैं, वो जो है बहुत ही मनहूस डेज बन जाते हैं और इन लोगों का जो घूमना फिरना भी जो है कैंसिल हो जाता है, इनका हनीमून पर जाना भी कैंसिल हो जाता है। और फिर जो ख्वाब देखे होते हैं जन्नत ने कि वो
शादी के बाद जो है वो सजी संवरी रहेगी और इतना ज़्यादा मेकअप करेगी जो कि उसकी दादी शादी से पहले नहीं करने देती थी और उसे कहती थी कि शादी के बाद ही सारा मेकअप करना। तो फिर वो अपने अरमान जो है अपने साथ लेकर आई कि शादी के बाद वो जो है इतना सारा मेकअप करके रहेगी और ज्वेलरी पहनेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, घूमेगी फिरेगी और इस तरह की जो है चीज़ें कुछ भी नहीं मिलता उसको शादी के बाद। उम्र तो वैसे ही सड़ा हुआ रहने लग जाता है उस बीमारी की वजह से और फिर उसके बाद ना तो वो तारीफ़ करता है जन्नत की और ना ही जो है वो कहीं घुमाने लेकर जाता है। तो फिर इसने जो जन्नत जो है वो सारा दिन किचन में काम करने की वजह से वो ना मेकअप कर पाती है और ना ही अच्छे कपड़े पहनने को उसको उसका टाइम मिलता है। तो फिर उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। तो फिर इस तरह से ये देखना है कि जन्नत जो है वो कैसे सर्वाइव करती है। आगे ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मजीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को कर ले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल इश्क भर बेपरवाह में आप देखेंगे कि अब जन्नत और उमर की शादी तो हो गई है। अब शादी के बाद फौरन ही इनकी जो है मुश्किलात शुरू हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन जाएगी क्योंकि अब इतनी खुशी खुशी जन्नत जो है वो अपने घर अपने ससुराल आती है और पहले दिन तो सब बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं। सब उन्हें कहते हैं कि बस जाओ, भाभी भाभी कह के जो है बुलाते हैं। जन्नत को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और फिर अगले ही दिन जो है वो अब उसके जो उमर है उसकी खाला की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसको डॉक्टर्स जो है वो मोहलिक बीमारी का जो है बता देते हैं कि इनको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और इनके पास जो है वो इतने ज़्यादा जो है वक्त नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे और उसके बाद उमर जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर जो है अपनी परेशानी जो है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहा होता। जबकि जन्नत जो है वो अब उसके तो इतने ज़्यादा अरमान होते हैं उसके दिल में तो वो अब उमर से आके कहती है कि देखें छुट्टियाँ तो अभी आपकी बहुत सारी हैं तो फिर हम लोग ने तो जाना था मतलब घूमने फिरने। तो फिर आगे से जो है उमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जन्नत से और उसे कहता है कि तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि अब जो है अब उसकी खाला बीमार हो गई है तो फिर उसकी बीमारी पे सारा पैसा लग जाएगा और उसके जो है इतने ज़्यादा जो है टॉर्चर करेगी उसकी उम्र की माँ के, तुम इस तरह से अभी तुम्हारी खाला बीमार है, ये है, वो करना है। तो बस इस तरह से वो मैंटली टॉर्चर हो रहा होगा और फिर जो जन्नत के सारे ख्वाब हैं जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी रह जाती हैं। अब वो घर का काम अगले दिन से ही स्टार्ट कर देगी और किचन में जो है वो उसकी माँ उम्र की माँ कहेगी कि तुम किचन में काम करो, ये वो। तो इस तरह से वो उसकी नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी जो शादी के बाद जो है उसने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं होंगे। अब यहाँ पर उमर की माँ को इस बात से भी जो है वो इतराज़ होगा कि जन्नत हर वक्त अपनी दादी से क्यों बातें करती रहती है। तो फिर यहाँ पर उमर की माँ जो है वो जन्नत से कहेगी कि तुम हर वक्त फ़ोन पे अपनी दादी के साथ लगी रहती हो और तुम्हारी दादी जो है वो तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाती हैं उल्टे सीधी और फिर जो है तुम उमर का दिमाग ख़राब करती हो। तो फिर जन्नत जो है वो आगे से कहती है कि नहीं, मेरी दादी ने मुझे कुछ गलत बात नहीं सिखाई।